हाँ तो भाइयों, आज की ये वीडियो उन प्लेयर्स के लिए पहली सीडी होने वाली है जो क्लोज रेंज में हमेशा मात खाते हैं। और हाँ, ये पर्टिकुलर वीडियो टीडीएम को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो टीडीएम में 10 से ज्यादा किल्स नहीं कर पाते। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे पॉइंट्स केवल टीडीएम के लिए ही बने, अगर आप इनको यूज करोगे तो ये क्लासिक इन कस्टम मैच में भी आपकी क्लोज रेंज सुधारने में हेल्प करेंगे। तो एज आई सेड, ये वीडियो क्लोज रेंज की पहली सीडी है, क्योंकि मुझे 14,000 गैलेक्सियंस का क्लोज रेंज लेवल नहीं पता। अगर मैं एडवांस ड्रिल्स कवर करूंगा तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए बेसिक से स्टार्टिंग है। तो जो अपने आपको प्रो समझते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हाँ, कमेंट में ये लिखना कि ये सारी ट्रिक्स मुझे पहले से पता है, ये सारी चीजें बैन है। तो बातें बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्टिंग से याद है कि क्या मुझे इंट्रो लगाना चाहिए। अगर कोई बना सकता है मेरे लिए इंट्रो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द बॉटम। तो टीडीएम और क्लोज रेंज फाइट का जो पहला रूल है वो है अवॉइड टू ओपन स्कोप इन क्लोज रेंज। मैंने अवॉइड करने को बोला है, बिल्कुल ही बंद करने को नहीं बोला, क्योंकि स्कोप ओपन करने से हमारी जो मूवमेंट है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्लोज रेंज फाइट में सबसे मेन होती है फास्ट मूवमेंट। क्लोज रेंज फाइट के अंदर हिप फायर दो, डैमेज दो, अंदर जाओ। और अगर आपको पता नहीं हिप फायर कैसे इंप्रूव करते हैं तो वाली वीडियो जरूर से देख सकते हो। ओके, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि क्लोज रेंज फाइट के अंदर जितना हो सके अपनी लोकेशन रिवील कभी मत करो। ये तरीका टीडीएम में ज्यादा यूजफुल है। अब लोकेशन रिवील करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कैंपर बन जाओ, 15 मिनट से बैठा हूं कोई आई नहीं रहा, मुझे कैंपर से उतनी ही नफरत है जितनी किसी एक रैपर को लंबे बालों से है। तो अपनी लोकेशन रिवील नहीं करने से मेरा मतलब ये है कि अपनी लोकेशन चेंज करते रहो, अनप्रिडिक्टेबल रहो, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रहने से तो कई बार प्रोफेशनल प्लेयर्स भी चौक कर जाते हैं, और जिनको साउंड गाइड नहीं है वो तो हमेशा चौक करेंगे ही। तो क्लासिक मैच में भी आप ये टिप फॉलो कर सकते हो, क्लोज रेंज फाइट के अंदर अपनी जगह चेंज कर सकते हो, कभी ये रूम तो कभी वो रूम। ओके, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कि टीडीएम मैच में दो चीजें हमेशा आपको फॉलो करनी है। ये दोनों टिप अगर आप टीडीएम में फॉलो करते हो तो डायरेक्टली आपके क्लासिक मैच में आपको सपोर्ट करेगी। पहली चीज तो ये कि आपको हमेशा एम असिस्ट ऑफ करके खेलना है। ज्यादातर प्लेयर्स ये फॉलो करते हैं, लेकिन जो नहीं करते, भाई एम असिस्ट ऑफ करके खेला करो। अब मुझे पता है कि टीडीएम में एम असिस्ट ऑन करके क्यों खेलते हैं, क्योंकि टीडीएम में 6 किल्स किसे ही पसंद आते हैं, एम असिस्ट ऑन करके कम से कम 15 किल्स तो हो ही जाते हैं। तो ऐसा मत करो, टीडीएम हम खेलते हैं इसलिए ताकि हमारा क्लोज रेंज इंप्रूव हो सके। अगर आप उसी में चीटिंग करोगे, हेल्प लोगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सेकंड चीज ये है कि टीडीएम में आपको स्लाइड ऑप्शन हमेशा ऑफ रखना है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि क्लोज में इस चीज के बाद एडवांस पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस वगैरह। पर्टिकुलर कौन कौन सी ड्रिल्स है, सारी प्रैक्टिस वगैरह मैं किसी एक अपकमिंग वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो जो बेसिक पॉइंट है उसका लास्ट पॉइंट ये है कि क्लोज रेंज फाइट के अंदर आपको जिगल, क्राउच, प्रोन वगैरह कुछ ना कुछ करना कंपलसरी है। तो जिगल कैसे करना, क्राउच कैसे करना, सब कुछ पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट करो, ये वीडियो भी एक कमेंट की वजह से ही बनी है। जो भी क्लोज रेंज के अंदर बेसिक पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। अब जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर सारे एडवांस पॉइंट होंगे, तो तैयार रहना। और कमेंट में अगर आपको कोई वीडियो का सजेशन देना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और हाँ, कल संडे तो एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, हो सकता है दो वीडियोस आ जाए। तब तक 100 कमेंट्स का एम है, तो होप आप कंप्लीट करवा दोगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।